हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल विजय थापा यूबीसी। और मैं विजय थापा बैंगलोर से, ये रहा मेरा थापा सलाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग फिट एंड फाइन और एकदम बढ़िया हो। दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार दिन है। आपको पता है कि साउथ के दो बड़े बड़े टीम, जो एक है आरसीबी और दूसरा है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, आज उनका मैच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। इससे पता चलेगा कि आज कौन क्वालिफायर में जाएगा। दोस्तों, आपने मेरा ड्रेस देखे तो पता लगा ही लिया होगा कि मैं किस टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ। ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है और आपका फेवरेट बैट्समैन कौन सा है। देखो, सीएसके में हमारा थला जो है एमएस धोनी है और हमारे आरसीबी में किंग कोहली है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज का मैच एकदम ही ताबड़तोड़ होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। दोस्तों, इसी बीच एक बहुत ही शानदार एनकरेजमेंट में आज एक नए बैट का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आपके लिए, राइट? दोस्तों, आपको तो पता है कि मैं मार्केट में ऐसे ऐसे लोग मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढता हूँ और ऐसे ऐसे बैट्स को ढूंढता हूँ ताकि आपके सामने पेशकश कर सकूँ और आपको जानकारी दे सकूँ, राइट? दोस्तों, ये एक ऐसा कंपनी है, आपने सुना होगा इनका, इनके बहुत सारे बैट्स का मैंने अनबॉक्सिंग किया है, इनके लेदर बैट्स अनबॉक्सिंग किया है। इसका नाम है GSI, गेटवे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो जम्मू और कश्मीर में सिंस 1950 से ये मैन्युफैक्चर करते हैं क्रिकेट प्रोडक्ट्स एंड गुड्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार नाम है। ये बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए बैट्स बनाते हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है और एक बहुत ही नामदार भी कंपनी है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दे हैव द एक्सपर्टीज, क्वालिटी एंड एवरीथिंग, बट इन्होंने एक नया बैट लॉन्च किया है और उस बैट की पेशकश मैं अपने चैनल पे एक्सक्लूसिव रिव्यू करने वाला हूँ। देर नहीं करते दोस्तों, मेरे पास इनका बैट आ गया है और आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आज का ये बैट कौन सा कैसा होने वाला है। ये एक हार्ड टेनिस बैट है फ्रॉम द हाउस ऑफ गेटवे स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, जिनको हम प्यार से GSI भी बुलाते हैं। दोस्तों, देर नहीं करते, आपके सामने निकालते हैं इस बैट को और आपको दिखाते हैं कि ये कौन सा बैट है। और दोस्तों, मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये एक हार्ड टेनिस बैट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बहुत ही प्यारा सा कवर है, प्रीमियम क्वालिटी का, ऐसा नहीं कि वो चिंदी वाला कवर जो मैन्युफैक्चरर्स करते हैं पैसे बचाने के चक्कर में कम क्वालिटी वाला डालते सिर्फ नाम के लिए, वैसा नहीं है। पैडेड कवर है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही प्यारा सा है। देखते हैं कि, और आपको दिखाते हैं कि ये बैट कौन सा होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। देखिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये है GSI स्पोर्ट्स का ब्लैक मांबा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार है ये बैट, आप लोगों ने देखा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि GSI का ब्लैक मांबा अनबॉक्सिंग करो, GSI का ब्लैक मांबा अनबॉक्सिंग करो, जो एक नामी बैट बन चुका है, ना ही यहाँ पे मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों में भी नामी बैट बन चुका है। और इसका एक यूनिक और ख़ास डिज़ाइन है, लेकिन जो नाम ब्लैक मांबा है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है इज़ मेड टू इंडिया और टू प्ले फॉर इंडियन पिचर्स और हार्ड बॉल के लिए, हार्ड टेनिस के लिए ये बैट बहुत ही शानदार सा बना हुआ है फ्रॉम द हाउस ऑफ GSI। दोस्तों, बहुत ही फ़र्क है जो आपको मार्केट में मिलते हैं, जो एकदम आंडू पांडू वाले डिज़ाइन वाले ब्लैक मामा मिलते हैं, इसमें और उसमें बहुत ही फ़र्क होने वाला है। क्या फ़र्क होने वाला है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक झलक इस बैट के बारे में देख लीजिए। और दोस्तों, ये देखिए इसका फ्रंट फेसिंग, बहुत ही प्यार से दिखाएंगे हम, स्लोली दिखाएंगे अपने दर्शकों के लिए। ये देखिए दोस्तों, इसका फ्रंट फेसिंग, अगर कैमरा और भी सामने लाएंगे हम दर्शकों को और भी प्यार से दिखाना चाहते हैं कि इसका साइड एंगल कैसा है। देखिए, प्यार से दिखाएंगे और ये देखिए दोस्तों, इसका और एक बैक एंगल और ये देखिए दोस्तों, इसका फिर से इसका एक साइड एंगल दिखा देते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा ग्रिप दिया है इन्होंने, ये देखिए। और ये है थ्री पीस केन हैंडल, और तीन पीस अगर साइड में से दिखा देंगे, यहाँ पे थ्री पीस केन हैंडल है और कारीगरी तो ऐसे कि अगर आप कैमरा से सामने से यहाँ पे देखेंगे कोई गैप नहीं है इनके हैंडल के जोड़ में। नॉर्मली क्या होता है, क्या करते हैं लोग यहाँ पे हैंडल का फिलिंग करते हैं या फिर जोड़ लगा देते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इस बैट में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि मार्केट में बहुत सारे ब्लैक मांबा बैट्स मिल रहे हैं आपको, मतलब नाम एक जानी नाम है, बहुत ही शानदार नाम है, और इस नाम पर बहुत सारे आपको बैट्स मिलेंगे मार्केट में, लेकिन GSI का ये जो बैट है और मार्केट में जो आपको बैट मिलेंगे उनमें और इनमें बहुत सारा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो दोस्तों, GSI एक नामी कंपनी है, सिंस 1950 से ये लोग बैट मैन्युफैक्चर कर, मतलब इनका एक्सपर्टीज इतना है कि ये बहुत ही बैलेंस बैट बनाता है और एकदम शानदार बैट बनाता है, नंबर वन।
और नंबर टू दोस्तों, जो भी आपको मार्केट में मिलते हैं बहुत सारे कर्व होता है, इतना कर्व होता है कि उस बैट से अगर आप खेलोगे तो आपको सिर्फ बॉटम लगेगा तो जाएगा, या फिर अगर आप लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन खेलोगे तो वैसा ही मिलेगा। अगर आप मिड विकेट या स्क्वायर कट खेलोगे तो उन बैट में से नहीं होता था, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स शेप। लेकिन GSI वालों ने बहुत रिसर्च किया, मार्केट में कस्टमर्स का फीडबैक लिया, प्लेयर्स का फीडबैक लिया, उसके बाद ये एरोडायनामिक शेप का बैट लाए हैं। आप एक बार देख लीजिए, जो कर्व मार्केट में आपको मिलता है उतना कर्व नहीं है, जो इनिशियल ब्लैक मांबाज आए थे वो उतना कर्व नहीं है। लेकिन जो इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो बैट बनते हैं उतना, जितना कर्व होना चाहिए सिर्फ उतना ही कर्व है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में बैट्स हैं, मतलब मुझे बैट कम लेकिन कोई हॉकी स्टिक ज़्यादा लगता था, उतना कर्व दे देते थे। और बहुत ही, और ये वाला जो बैट है अगर आप देख रहे हो, ये बर्न एडिशन है उनका ब्लैक मैम्बा। बर्न एडिशन मतलब जो लकड़ी को ये लोग जलाते हैं और इसका मॉइस्चर निकालते हैं, और इस पे इतना एकदम रफिंग से निकालते हैं थे कि आपको छाले वाले कुछ नहीं पड़ते हैं। ये तीन फर्क है जो मार्केट में ब्लैक मामा मिलते हैं और ये वाला। दोस्तों मैं तो एक बहुत ही हैवी बैट से खेलने वाला बंदा हूँ, जो मुझे हैवी बैट से खेलना पसंद भी है, लेकिन ये जो बैट मेरे हाथ में है बहुत ही लाइट वेट है, मेरे हाथ में इतना वेट नहीं लग रहा। क्योंकि जैसे मैंने बताया, GSI जो है एक ऐसी कंपनी है जो 1950 से बैट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और बहुत ही शानदार सा बैलेंस बनाते हैं, और ये वाला बैट बहुत ही बैलेंस है, बहुत ही शानदार है और एकदम ब्यूटीफुल बैट है। राइट दोस्तों, ये मेरे हाथ में है, बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं 35 इंच का एक बैट लेके वो भी हार्ड टेनिस खेलने के लिए खड़ा हूँ। बहुत ही शानदार लाइट वेट है। आइए आपको दिखाते हैं इसके वेट के बारे में, और बाद में बाकी चीज़ों को आपके सामने ला पेशकश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस बैट का वेट है 1 किलो 16 ग्राम। अगर आप, मैंने जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे एक प्रीमियम ग्रिप दिया है, ये बिल्कुल 40 से 50 ग्राम का होता है, अगर वो निकालेंगे 950 ग्राम से कम होता है। मतलब मान के चलो कि 960-970 ग्राम्स का ये बैट है, बहुत ही लाइट वेट है, और ये हार्ड टेनिस के लिए ही बना है। जैसे मैंने बताया कि ये सिंगल ब्लेड का है, लेकिन इस बैट में इतनी जान है, इतनी जान है कि आप पहले बॉल से ही छक्का मारना चालू करोगे तो भी चलेगा। बिकॉज जो इनका पावर है, जो मार्केट में ब्लैक मैम्बा मिलता है उनका सिर्फ बॉटम थिक होता था, यहाँ पे थिक नहीं होता, जहाँ पे एक्चुअली बॉल लगना चाहिए वहाँ पे नहीं होता था, लेकिन ये बहुत ही शानदार वाला है। और दोस्तों आइए आपको मैं एक बार इसका मेजरमेंट्स दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है 35 इंच का बैट, 35 इंचेस, और इसका जो ब्लेड है 24.5, और बाकी का ये जो है इसका हैंडल है जो 10.5 इंच का इसका हैंडल होता है। अभी आपको दिखा दूं इसका विड्थ, ये देखिए दोस्तों 4.5 इंच का इसका विड्थ है, या फिर 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा इसका विड्थ है। इसका आपको साइड थिकनेस दिखा देते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये सिंगल ब्लेड है, 35 mm का इसका थिकनेस है। बहुत ही शानदार बात है कि इसका टो, ये देखिए दोस्तों, इसका टो जो है ऑलमोस्ट 40 mm का इसका टो है। मतलब अगर आप बहुत ही लंबे खिलाड़ी हो और कोई आपको यॉर्कर डालता है तो बॉटम में आपको झुकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बॉटम से आप लगाओगे बॉटम पे यहाँ पे लगेगा तो बाहर ही जाएगा बाउंड्री के, तो ये होने वाला है इसका। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा कर्व भी नहीं है, लेकिन ये जो ब्लैक मंबा एक स्पेसिफिक होने वाला है, क्योंकि इसका जो पावर हिटिंग एरिया यहाँ से यहाँ तक है। जो मार्केट में आंडू पांडू वाले ब्लैक मंबा मिलते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन होता था, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ यही थिकनेस होता था और बाकी का पूरा बैट बिना जान का होता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जैसे मैंने बताया, इन्होंने कस्टमर फीडबैक लिया, मार्केट का रिसर्च किया, उसके बाद ये बैट निकाला। और इसका जो हार्ड हिटिंग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे उभरा हुआ है, दूसरे वाले मार्केट वाले इसमें तो पूरा फ्लैट हो जाता था, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने शेप ये देखिए दोस्तों, इनका जो कर्व है, जो हमारा नॉर्मल हार्ड टेनिस का बैट होता है जितना कर्व होना चाहिए उतना ही कर्व है। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर्स है, ये कश्मीर विलो का A1 ग्रेड का बैट है। अगर आप इसी बैट में देख लोगे कितने ग्रेन से इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब मान के चलो 10 से ज़्यादा तो इसमें ग्रेन्स ही हैं, और ये अपने प्रोडक्ट्स क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते दोस्तों। ये बहुत ही शानदार बैट है। राइट मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, अब जस्ट ग्राउंड में जाके मुझे एक हार्ड टेनिस से बैट खेलने की मन हो रही है कि अब इससे कैसे करें। राइट सो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे हार्ड टेनिस बॉल रखे हुए हैं, तो मैं आपके सामने टैपिंग करके दिखाऊंगा।
मैं इसलिए इतने सारे बॉल रखता हूँ ताकि आप दुनिया में कहीं पे भी रहें, राइट, और किसी भी बॉल से खेले, ये बैट होने वाला है हार्ड टेनिस के लिए शानदार। हार्ड टेनिस मतलब जो बैट का वेट 120 से 130 ग्राम या 120 से 140 ग्राम में होता है, वो वाले हार्ड बॉल को। दोस्तों मेरे पास पहले ये है रतन गोल्ड का जो हार्ड टेनिस बैट है, इससे मैं टैप कर लेता हूँ। वाओ हो दोस्तों, ये देखिए शानदार सा टैपिंग हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये देखिए ए प्लस का बॉल, ये देखिए दोस्तों, ओहो क्या टैपिंग हो रहा है, देखिए। हाँ बहुत ही शानदार टैपिंग हो रहा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। ये निविया का जो है हार्ड टेनिस का बॉल है, ये देखिए दोस्तों, वाव बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन टैपिंग हो रही है। ये देखिए सिक्सर की हार्ड टेनिस बॉल, फिर से वाह, वो तो उड़ गया दोस्तों, सिक्सर का बॉल तो उड़ ही गया ऐसे ही। अभी देखिए ये विकी जो बैंगलोर में या साउथ इंडिया में बहुत ही फेमस है हार्ड टेनिस के लिए, उनके बॉल से टैपिंग कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, वाह, और ये देखिए दोस्तों, फिर से एक हार्ड टेनिस बॉल से टैपिंग कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। और ये डे नाइट का बॉल है दोस्तों, डे नाइट के बॉल से टैपिंग कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सा टैपिंग हो रहा है। और मैंने सिर्फ जहाँ पे यहाँ पे है इसी जगह पे नहीं, लेकिन हर जगह पे मैंने टैपिंग करके देखा। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका बैट पावरफुल नहीं है, पंच नहीं है और प्रेसिंग नहीं है, तो क्या होता है उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है हाथ में, लेकिन इस बैट में ऐसा वाइब्रेशन कुछ भी नहीं है। यहाँ बहुत ही प्यारा सा बैट है, बहुत ही शानदार बैट है। जैसे कि मैंने बताया, ये दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ GSI। एक बार मैं इसका थोड़ा और टैपिंग कर ही लेता हूँ, देखते हैं लेदर बॉल से इसका टैपिंग कैसा होता है। जैसे मैंने बताया GSI इज़ फेमस फॉर इट्स लेदर बॉल बैट्स, और ये मेरे पास है ओल्ड यूज लेदर बैट्स, और इसका टैपिंग भी कर ही लेते हैं। वाह दोस्तों, लेदर बॉल पे ऐसा उड़ रहा है, सोचिए हार्ड टेनिस पे इसका हाल क्या होने वाला है। लेकिन ये बहुत ही शानदार है दोस्तों, आपके सामने फिर से दिखाना चाहता हूँ एक बार टैपिंग करने के बाद, सिर्फ आपके लिए ये झलक है। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा बैट, GSI का A1 कश्मीर विलो बैट है, बहुत ही प्यारा सा, राइट। और एक बैट ही ऐसा क्या हार्ड टेनिस जो मेरे गुरु भाई से का टेस्ट पास ना कर सके। ये देखिए दोस्तों, एक मैलेट देख लीजिए कितना, एक हनुमान की गदे के जैसा है। इससे थोड़ा टैपिंग कर लेते हैं, आपने तो देख ही लिया होगा कितना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि दिस इज अ हार्ड टेनिस बॉल, आप मेरा वीडियो देख के टैपिंग वैपिंग ना करें, या फिर लेदर बॉल से खेलने के बाद अगर बैट पर टूट जाता है तो मैन्युफैक्चरर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, ये गलती ना कीजिए। बस आपके दिखावे के लिए मैं टैपिंग करता हूँ या फिर नॉकिंग करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि बैट में जान कैसा है और कितना है। तो सो ये बहुत ही शानदार बैट है, आई लव दिस बैट। अगर आप एक हार्ड टेनिस खिलाड़ी हो और एक शानदार बैट का तलाश में हो, तो ये बैट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि इस बैट को मैं कैसे खरीदूं और कहां से खरीदूं, दोस्तों मैंने मैन्युफैक्चरर का फ़ोन नंबर डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए देखिए और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर कीजिए। आपको कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है, मैन्युफैक्चरर का नंबर दे दिया, उनसे बात कीजिए और आप उनसे बैट ऑर्डर कीजिए, राइट। दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर CSK फैंस, ऑल द बेस्ट फॉर RCB फैंस, मे द बेस्ट टीम विन टुडे। और दोस्तों मैं विजय थापा बैंगलोर से, अगले हफ्ते तक थापा सलाम।